आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लोगे, माई जियो ऐप इसका नाम है। आप सिंपली क्या कर सकते हो दोस्तों, इसके अंदर आपको 5 GB तक का डाटा लोन मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें बता रहा है 76.56 MB लेफ्ट, तो मेरे अकाउंट में फ्रेंड्स जितना लेफ्ट है अभी हमें बचा हुआ है 75-76 MB। सो फ्रेंड्स आप देखिए आपको यहाँ पर बताएगा आपके मोबाइल नंबर बताएंगे और आपका प्लान बताएगा। जो मेरा 149 का प्लान था जो 6 सितंबर 2021 को एक्सपायर होने वाला है, उसके बाद डाटा बैलेंस मेरे पास 76 MB बचा है। अब मुझे डाटा लोन की ज़रूरत पड़ चुकी है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 3 लाइन्स पर क्लिक करूँगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद इमरजेंसी डाटा लोन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है, देखिए लोड हो रहा है अभी, डाटा की स्पीड स्लो है इस कारण। आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, उसके बाद देखिए बता रहा है अवेलेबल क्वांटिटी 5 out of 5, प्राइस 11 पर वाउचर, यानी 5 वाउचर हमारे पास उपलब्ध है और हर एक वाउचर की कीमत 11 रुपये है। तो डाटा वाउचर 1 GB का है फ्रेंड्स। देखिए आप यहाँ पर रिचार्ज हिस्ट्री देख सकते हो और पेमेंट रिसिप्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो दोस्तों आप गेट इमरजेंसी डाटा पर क्लिक करोगे और देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी बता रहा है, जियो नंबर बता रहा है, उसके बाद 1 GB डाटा बता रहा है टिल एक्टिवेट प्लान। सो दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है इसकी वैलिडिटी जो होती है दोस्तों, आपने जो प्लान ले रखा है उसके वैलिडिटी तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप इसे एक्टिवेट करोगे एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करके, तो दोस्तों देखिए मैंने इमरजेंसी डाटा ले लिया है और एक्टिवेट भी हो चुका है ये, और ये मुझे मैसेज भी आ चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों योर फीडबैक मार्क्स मेक अस बेटर, तो डिड यू लाइक योर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आप दे सकते हो इसे। तो फ्रेंड्स ये तो हुई डाटा लोन लेने की बात, अब इसे चुकता कैसे करना है, इसकी पेमेंट भी करनी होगी ना। तो फ्रेंड्स आप सिंपली 3 लाइन पर क्लिक करोगे, आप जाओगे इमरजेंसी डाटा लोन में फिर से एक बार। वहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे दिखाएगा आपका लिया हुआ प्लान। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 4 बार हम फिर से एक बार डाटा ले सकते हैं, और एक बार हमने लिया है और हमें इसे क्लियर करना है, तो आप क्लियर ड्यू पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस ओपन होंगे। तो देखिए फ़ोनपे से आप कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, और भी मेरे पास फ़ोनपे है इसलिए सिर्फ फ़ोनपे दिखा रहा है। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और इनके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल मुझे पेमेंट नहीं करनी है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको किस तरह से पेमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, इसी तरह की टेक्निकल्स वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।